तो आप भी मेरी तरह हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोमो ऐप पर जहाँ आप यस या नो में ओपिनियन देके प्रॉफिट्स बनाते हो वहां पर अमेरिकन बास्केटबॉल लीग को लेकर क्या चल रहा है। शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही फन फैक्ट बता देती हूँ कि इन मैचेस में ना बहुत जल्दी जल्दी उतार और चढ़ाव होता है। जहां प्राइस क्रिप्टो की तरह बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं तो आपके जैकपॉट हासिल करने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ी सी जनरल टिप्स दे देती हूँ। बास्केटबॉल का एक मैच लगभग 48 मिनट्स तक का होता है जो 12 मिनट्स के चार क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। बास्केटबॉल लीग में ना टोटल 30 टीम्स है जो दो अलग कॉन्फ्रेंसेस जिसको हम पूल्स के नाम से भी जानते हैं उनमें डिवाइडेड है। अगर हम यहाँ पर सबसे फेमस टीम की बात करें तो वो है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, एलए लेकर्स, मिलवॉकी बक्स, बोस्टन सेल्टिक्स, डेनवर नगेट्स और फिलाडेल्फिया 76ers। ये इस लीग के सबसे बड़े नाम है, याद कर लो, ट्रेडिंग के समय काम आएगी। वहीं अगर हम कुछ बिग प्लेयर्स की बात करें तो स्टेफ करी, लेब्रॉन जेम्स, जेसन टेटम और केविन ड्यूरेंट जैसे बड़े लोग इस लीग में खेलते हैं। अब ये आपको फेमस टीम्स और फेमस प्लेयर्स के नाम पता है मैंने क्यों बताया, ताकि जब आप सवालों पे ट्रेड करने जाओ ना तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए तो वीडियो बनाती हूं मैं, ताकि मैं आपको पहले से थोड़ी सी नॉलेज दे दूं और बाकी नॉलेज आप अपनी रिसर्च से बिल्ड करके प्रोमो पर बड़े प्रॉफिट्स बना लें। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बास्केटबॉल में ट्रेड करना है तो टीम्स की रीसेंट फॉर्म, उनके की प्लेयर्स, उनके अवेलेबल प्लेयर्स और टेबल में उनकी करंट स्टैंडिंग्स पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। आप बास्केटबॉल कैटेगरी में किस तरह के ट्रेड्स चलते हैं? तीन तरह के ट्रेड्स सबसे ज्यादा चलते हैं। विन इवेंट्स, लेकर्स जीतेगी या सेल्टिक्स, पॉइंट्स इवेंट्स कि क्या टोटल 220 या उससे ज्यादा के पॉइंट्स बनेंगे, लाइक अ टोटल ऑफ 220 और मोर पॉइंट्स टू बी स्कोर्ड इन द मैच बिटवीन लेकर्स एंड सेल्टिक्स। और तीसरा कि व्हिच टीम विल स्कोर 30 60 90 पॉइंट्स फर्स्ट। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि अरे भाई क्रिकेट पर तो करते हैं ट्रेड, क्रिप्टो पर भी करते हैं, फाइनेंस पर भी करते हैं, एंटरटेनमेंट पर भी करते हैं, यूट्यूब पर भी करते हैं, बास्केटबॉल पे क्यों करें? सिंपल आंसर है बॉस, डेली मैचेस यानी डेली प्रॉफिट्स, पॉइंट्स बेस्ड गेम यानी जल्दी प्रॉफिट्स और फास्ट गेम्स यानी जैकपॉट्स। Also very important point, as odds change very quickly in basketball, बहुत जल्दी odds change होते हैं, exit बहुत ही बढ़िया feature है अपने profits को fluctuation से पहले निकालने का। अब अगर आपके दिमाग में कोई भी इससे related सवाल है तो comments में तो लिखी दो, but अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इस video में मैं अब आपको बताऊंगी कि आपको कैसे trade करना है एक event पर trade करके। अब मान लो स्क्रीन पर सवाल है, Who will win the match between Oklahoma City Thunder versus Golden State Warriors? अब नीचे जाओ, इवेंट ओवरव्यू और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों टीम्स के बारे में सब पढ़ लो। भाई इन दोनों टीम्स के पिछले लास्ट मैचेस में एक तो ओकेसी थंडर जीती है, तीन जीती है हमारी गोल्डन स्टेट वॉरियर्स और एक मैच गया था ओवरटाइम में। और अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो पांच में से चार मैचेस तो वॉरियर्स जीती है जबकि थंडर जीत पाई है केवल दो मैचेस। तो मुझे लग रहा है कि जब ऐसा इतिहास रहा है वॉरियर्स का तो ये मैच भी वॉरियर्स जीतेगी। पर बास्केटबॉल में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं यूज करूंगी एग्जिट फीचर का। तो मैंने वॉरियर्स पे क्लिक कर अपना ट्रेड प्लेस कर दिया है और वही बात है, जैसे ही कुछ इधर उधर होता दिखेगा आई क्विकली एग्जिट एंड विथड्रॉ माय प्रॉफिट्स। है ना आसान? तो अब भाई सिर्फ क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, यूट्यूब, एंटरटेनमेंट क्यों, बास्केटबॉल भी करें ट्रेडिंग शुरू।